हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑन मैथ टेल फ्रेंड्स आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जेई मेन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहा हूँ कि इफ ए वो वाई इक्वल टू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट वन कम टू एंड सर्टिज यहाँ पर ग्रामेटिकल uh, मिस्टेक है सर्टिज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स टू दावर फोर देन फॉर वाट वैल्यू ऑफ वाई बी वन टू टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स टू बाई फाइव सो लेट एस स्टार्ट दोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग हियर मैं यहां पर आपको इस साइड बता दे रहा हूं कि इफ एनी इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है वन क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन है तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है इसको आप माइंड में रखिए पी एक्स और क्यू एक्स कहां पर है ये है फंक्शन ऑफ एक्स ओके ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमको क्या दिया गया है यहां करते हैं वी आर गिवेन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर फोर अब हमको इस फॉर्म में इसको पहले बनाना है तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड सो वाट वी विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स क्यूब क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी अब ये हमारी इक्वेशन इक्वेशन के रूप में आ चुकी है वेयर से आप लिख सकते हो कि यहां पर पी एक्स की वैल्यू क्या है है। और क्यूएक्स की वैल्यू क्या है बी एक्स क्यूब है ओके okay, अब ये जो मैं लिखा था यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके लिए क्या होता है पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स तो यहां पर पी एक्स की वैल्यू वन बाई एक्स है तो आई एफ क्या हो जाएगा देर फोर आई एफ इक्वल टू ई टू पावर वन अपॉन एक्स डी इसको हम क्या लिख सकते हैं टू पावर ठीक अब चूंकि बेस में ई e है सो दिस विल बी एक्स ओनली ओके सो अब यहां पर सोल्यूशन क्या होता है देन मैं साथ साथ जनरल फॉर्म इसका लिखते जा रहा हूं then solution will be y into integrating factor equal to integration of qx into integrating factor इसका हमको integral जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं solution therefore solution इसका होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन नाउ क्यू एक्स क्या है यहां पर बी एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन बी एक्स टू दावर फोर डीएक्स अब इसका आप इंटीग्रेशन फर्दर करोगे तो क्या हो जाएगा b चूंकि कांस्टेंट है कांस्टेंट आ गया है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट ओके सो इंप्लाइज यहां से आप क्या कह सकते हो कि वाई इज इक्वल टू बी एक्स टू पावर फोर अपॉन फाइव प्लस सी अपॉन एक्स ओके हमारा ये क्या गया सॉल्यूशन आ गया यहां से आपको अब दो चीजें अप्लाई करनी है पहली तो इनिशियल कंडीशन दी गई है इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है दिस इज योर इनिशियल कंडीशन ओके So, यहां से आप कर सकते हो कि अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन वो क्या है वन कामा टू इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू ओके सो यू हैव टू केयरफुलर सो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन हम किसमें अप्लाई करेंगे हम अपने सोल्यूशन में अप्लाई करेंगे सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज दिस पेज इज कम्प्लीटली फुल सो हमारा सोल्यूशन क्या है हमारा सोल्यूशन है y इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फाइव प्लस सी बाई एक्स अब इसमें क्या है पुटिंग x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू So, हमको क्या मिल जाएगा इंप्लाइज टू इक्वल टू बी वन टू दावर फोर अपॉन फाइव प्लस सी अपॉन वन इम्प्लाइज सी इक्वल टू टू माइनस बी अपॉन फाइव ओके सो यू कैन चेक दैट हियर हमारा ये सोल्यूशन था बी इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स टू दावर फोर अपॉन फाइव प्लस सी बाई एक्स क्यों क्योंकि यहां पर लिखा है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट वन का मा टू ओके यू कैन से हियर कि y इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट यानी कि y क्या है इसको आप y यानी ये हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2 से तो ये इस पॉइंट को सेटिसफाई करेगा सो so, मैंने वो किया नाउ अब यहां पर हमारा क्या दिया गया है एक और चीज हमको दी गई है वी आर गिवन यहां पर आप लिख सकते हो कि गिवन वन कामा टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू अपॉन फाइव एम्प्लाइज एफेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से आप देख सकते हो कि बी एक्स टू दावर बी बी एक्स टू पावर फोर प्लस सी बाई एक्स एम्प्लाइज वन का टू बी एक्स टू पावर फोर अपॉन फाइव प्लस सी बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू अपॉन फाइव इसको आप इंटीग्रेट कीजिए ये आपका हो जाएगा बी

माइनस बी वन टू पावर फाइव अपान ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो क्योंकि लाग वन की वैल्यू जीरो होती है एम्प्लाइज ये हो जाएगा बी इंटू थर्टी टू ओके अपान ट्वेंटी फाइव प्लस सी लाग टू दिस इज इक्वल टू सिक्सटी टू अपॉइंट फाइव माइनस B by 25 is equal to टू सिक्स फाइव इसको कह सकते हो यहां पर आप डिनोमिनेटर सेम है तो 32b minus 1b implies 31b plus c log 2 is equal to लाख अब यहां पर क्या करो यहां पर आप कर दो कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड Uh, am I doing something wrong? Yes, here will be थर्टी वन बी अपॉन ट्वेंटी फाइव यस सो इसको आप ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा हेयर यू विल गेट थर्टी वन बी प्लस अब यहां पर एक काम कीजिए सी की वैल्यू यहां से जो मैं निकाला हूं ये वैल्यू ये इसको अपपुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव सी की वैल्यू क्या है टू माइनस बी बाई फाइव लॉग टू इज इक्वल टू सिक्सटी टू इंटू फाइव समझ में आया क्योंकि ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई किया था तो ये सिक्सटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इंप्लाइज थर्टी वन बी ये हो जाएगा फिफ्टी लॉग टू माइनस फाइव बी लॉक टू Is equal to ye ho jayega, 310 got it now taking B common here so what will you get 31 minus 5 log 2 is equal to 310 minus 50 log 2 implies B equal to 310 minus 50 log 2 बाई थर्टी वन माइनस फाइव लॉक टू अब ये थोड़ा देखने से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर बहुत एग्जैक्ट है मैं यहाँ पर इसलिए कैलसी से आपको दिखा दे रहा हूं कि पहली बात तो लॉक टू की वैल्यू जो होती है वो आपको दिख रही होगी इतना सो थ्री हंड्रेड एंड टेन आप देखिए करके ब्रैकेट में थ्री हंड्रेड एंड टेन माइनस फिफ्टी लॉक टू ये हो गया डिवाइड इसको किससे करना है थर्टी वन माइनस फाइव लॉक टू टेन आ रही वैल्यू सो so, मैंने अभी आप इसको बोलेंगे कि आप तो कर दिए हैं कैलकुलेटर से बट यू कैन डू द सेम वे कैसे लॉक टू की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इस लेवल पर ये छोटी वैल्यू लाख से वन की वैल्यू जीरो होती है लाख टू की वैल्यू समथिंग होती है तो आप लॉक टू की वैल्यून जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन आप टू प्लेस तक याद रखिए तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो जा रहा है फिफ्टी सॉरी वन मिनट फिफ्टी यस लॉक टू ये हुआ कितने में से तीन सौ दस माइनस आंसर कितना आया टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री फोर रिम्बर टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री फोर अब डिनोमीटर को आप देखेंगे तो क्या है फाइव लॉक टू एंड थर्टी वन माइनस आंसर ये क्या है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव थ्री वहाँ पर क्या था टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री फोर यहाँ पर ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव थ्री फोर दैट मीन्स इफ़ यू मल्टीप्लाई विद टेन सो योर डिमोनीटर एंड न्यूमरेटर विल बी इक्वल सो नीड नॉट टू बरी अगर हमारे सामने एक ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है तो उसका आंसर बहुत ही ईजी होता है सो दिस वॉज योर वैल्यू बी इक्वल टू टेन और मैंने यहाँ पर जब मैं लिख रहा था इस क्वेश्चन को क्वेश्चन uh, पेपर से तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन का ऑप्शन नहीं लिखा था सो नीड नॉट टू बी वेरी सो यू कैन से दैट दिस इज योर आंसर ओके अब बी की वैल्यू आप वापस इसमें पुट करेंगे इम्प्लाईज सी इक्वल टू टू माइनस टेन अपॉन फाइव इक्वल टू जीरो सो आप यहाँ से सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सो दिस वॉज स्मॉल प्रूफ अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू कैन लर्न आपको यहाँ पर यह चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे भी चल करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जनरल फार्म होती है लीनियर डिफ्रेंसियल क्वेश्चन की ऑफ ऑर्डर वन जहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है और उसका सल्यूशन ये होता है रिम्बर यू विल गेट बेनिफिट इन योर फ्यूचर कमिंग डिग्री वेदर यू आर डूइंग डी एस सी और मास्टर्स डिग्री सो होपफुली यू हैव गॉट द point and understood very well if you have any query any question please mention in the comment and thank you for watching it we'll meet in next video till then thank you and keep watching and subscribe the math till for more videos thank you